हेलो एंड वेलकम बैक टू बैंकोपीडिया। 9 बज गए और हम पजल के साथ रेडी हैं। आज का पजल फ्लोर बेस्ड है, थोड़ा टिपिकल है, बिल्कुल बेसिक नहीं है, थोड़ा सा टफ है आपके लिए, बिगनर्स के लिए टफ है। तो इसको थोड़ा लगाने की कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करिए, लगाने की कोशिश करिए। आई होप आपने ट्राई किया होगा। आइए अब लगाते हैं साथ में। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा लेवल हाई हुआ है, तो देखेंगे कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। पढ़ते हैं पजल को। 8 पर्सन ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच लीव इन 8 फ्लोर बिल्डिंग। 8 फ्लोर की बिल्डिंग में 8 लोग रह रहे हैं। ईच वन ऑफ देम लाइक अ डिफरेंट चॉकलेट, डेरी मिल्क, टॉबलेरोन। ये कौन सा चॉकलेट है भाई? 5 स्टार, मंच, हर्शेस, कैडबरी, बार वन एंड चंकी। 8 चॉकलेट पसंद है, 8 बंदे हैं, 8 फ्लोर पर रहेंगे। ठीक, तो इस तरीके के फ्लोर बेस को हम कैसे बनाते हैं? ऐसे बना लेंगे, टॉप मोस्ट फ्लोर जो है वो 8 हो जाएगा। तो ऐसे बनाएंगे 8 7 6 5 4 3 2 2 1। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। ये हो गया ऊपर, ठीक है। और दो दो वेरिएबल है तो हम 2 वेरिएबल बनाएंगे। इसको फटाफट से आपको रफ में बनाना है। यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पर्सन, यहाँ पे आ जाएगा उनका चॉकलेट। ठीक है, ये हमने बना लिया। इतना लंबा इसलिए बनाया हूँ कि अगर 2 केस बनाना पड़े तो 2 केस हम बनाएंगे, इसलिए इसको लंबा बनाया मैंने। ठीक है, देखा जाएगा, अगर 2 केस बनाने की ज़रूरत पड़ी तो 2 केस बनाएंगे हम, नहीं तो अगर 1 केस में हो जाएगा तो 1 केस में सॉल्व कर लेंगे। ठीक, पढ़ते हैं। देयर इज ओनली 1 फ्लोर बिटवीन द वन हु लाइक 5 स्टार एंड द वन हु लाइक चंकी। 5 स्टार और चंकी के बीच में 1 फ्लोर है। जिसको चंकी पसंद है, जिसको 5 स्टार पसंद है, उसके बीच में 1 फ्लोर है। देयर आर 2 फ्लोर बिटवीन द वन हु लाइक टॉबलेरॉन एंड सी। टॉबलेरॉन और सी के बीच में, 2 फ्लोर हैं। ठीक है, 2 फ्लोर। एफ लीव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर एंड लाइक बार वन। बार वन, ठीक है, एफ को बार वन पसंद है, बार वन पसंद है, और ये इवन नंबर फ्लोर पे है। इवन नंबर फ्लोर मतलब 2 4 6 8, इन सब, इन चारों फ्लोर में से किसी फ्लोर पे है। ठीक है, कहाँ तक पढ़ चुके हैं? यहाँ तक। नीदर ए नॉर बी लाइक टॉबलेरॉन और हर्शेस। तो ए और बी को, ना ही ए को ना ही बी को, इनमें से कोई पसंद नहीं है। किस किस में से? टॉबलेरॉन और हार्से में से। ठीक है, इन दोनों चॉकलेट में से इन दोनों को कुछ कोई नहीं पसंद है। आगे बढ़ते हैं। द वन हु लाइक मंच लीव ऑन फ्लोर नंबर वन। तो ये तो फिक्स है, तो इसको बिठा देते हैं फ्लोर नंबर वन पे। कौन है? मंच है। मंच आ गया फ्लोर नंबर वन पे। इसको दूसरे कलर से लिखते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। फ्लोर नंबर वन पे हमारा कौन आ गया है? मंच आ गया है, मंच। ठीक, आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक पढ़ लिए। देयर आर 3 फ्लोर बिटवीन द फ्लोर ऑन विच बी लीव्स एंड द फ्लोर ऑन विच ई लीव्स। बी और ई के बीच में 3 फ्लोर हैं। बी और ई के बीच में 3 फ्लोर हैं। ठीक, आगे पढ़ते हैं। एफ लीव्स अबव सी हु डज नॉट लीव ऑन फर्स्ट फ्लोर बट लाइक्स डेरी मिल्क। ठीक है, एफ जो है, यहाँ पे एफ है, एफ हमें पता है 2 4 6 8 के ऊपर है। तो एफ जो है सी के ऊपर रहेगा, सी जिस जो फर्स्ट फ्लोर पर नहीं आएगा, और सी को डेरी मिल्क पसंद है, डेरी मिल्क पसंद है। तो सी ऐसे भी फर्स्ट फ्लोर पर नहीं आ सकता क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पर मंच है। तो सी फर्स्ट फ्लोर पर नहीं आएगा, सी को डेरी मिल्क पसंद है, और सी के ऊपर ही एफ आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सी के ऊपर ही एफ आएगा। यहाँ तक पढ़ चुके हैं, कहाँ गया? यहाँ तक। आगे पढ़ते हैं। द वन हु लाइक 5 स्टार लीव्स ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर। तो टॉप मोस्ट फ्लोर पे कौन आएगा? 5 स्टार वाला। तो यहाँ पे बिठा देते हैं 5 स्टार। आगे पढ़ते हैं। एच डज नॉट लाइक 5 स्टार। एच को 5 स्टार नहीं पसंद, तो इसको भी हम लिख लेते हैं यहाँ। एच को 5 स्टार नहीं पसंद, हमें तो बहुत पसंद है, इसको नहीं पसंद है। एच को 5 स्टार नहीं पसंद। आगे पढ़ेंगे। जी लीव्स ऑन द फ्लोर नंबर विच इज बिटवीन ए एंड एफ। जी जो है ए और एफ के बीच में, ए और एफ के बीच में जी आएगा। अब
बीच का मतलब है कि अगर दोनों के बीच बराबर गैप होगा, अगर ए और जी के बीच में एक का गैप है तो जी और एफ के बीच में भी एक का गैप होगा, ए और जी के बीच में दो का गैप है तो जी और एफ के बीच में भी दो का गैप होगा, मतलब बिल्कुल बीच में आएगा जी, ठीक है, ऐसा कहा है। तो यहाँ तक पढ़ लिए हैं। बी लिव्स अबव ई एंड ए, बी जो है यहाँ है बी, बी जो है ई और ए दोनों के ऊपर रहेगा, बी जो है ई और ए दोनों के ऊपर रहेगा, ठीक है। देखिए जो डाटा हम यहाँ नोट कर रहे हैं इस हिसाब से नोट करिए, जैसे एक ही से रिलेटेड दूसरा डाटा मिल रहा है तो उसी के पास रखने की कोशिश करिए। जैसे एफ एफ से रिलेटेड डाटा मिला था मैंने यहाँ लिखा, फिर दोबारा एफ से रिलेटेड डाटा मिला तो मैंने यहाँ लिखा, उसी के पास में लिखने की कोशिश की है कि मुझे नज़र आए दोनों को कनेक्ट करके हम बिठाएंगे, ठीक है। बी और ई से रिलेटेड डाटा यहाँ था, फिर दोबारा बी से रिलेटेड डाटा मिला तो इसी के पास में मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक। तो इस तरीके से डाटा को नोट करने का तरीका सीखिए। आगे पढ़ते हैं। ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन द वन हु लाइक हर्से एंड द वन हु लाइक टॉबलेरॉन। टॉबलेरॉन और हर्से के बीच में एक लोग रहेगा, टॉबलेरॉन और हर्से के बीच में एक लोग हैं। ये पूरा डाटा हमने नोट कर लिया, अब हम बिठाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए किसको पहले बिठाया जाए, किसको हमें पहले बिठाना है, ये डिटरमाइन करेगा कि आप पजल को कितना जल्दी सॉल्व करेंगे या कितने टाइम में सॉल्व करेंगे। अगर आपने सही जगह सही चीज़ को चूज़ किया बिठाने का, सही चीज़ को सेलेक्ट किया तो आप जल्दी से बिठा लेंगे, और अगर सही चीज़ को नहीं चूज़ किया तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो अब देखिए किसको पहले हमें उठाना है, जो फिक्स है पहले तो हम उसको उन चीज़ों को ढूंढेंगे जो फिक्स है, जैसे कि जैसे 5 स्टार 8 फ्लोर पे है और 5 स्टार और चंकी के बीच में एक है, तो ये चंकी सिर्फ यहीं आ सकता है, 6 फ्लोर पे आ सकता है, क्योंकि एक का गैप, तो एक का गैप हो गया, यहाँ आ गया चंकी, चंकी आ गया हमारा यहाँ पे, ये डाटा हमने यूज़ कर लिया। अब किसको बिठाया जाए, अब देखिए एफ एफ से रिलेटेड दो डाटा हमारे पास है, एफ 2 4 6 8 पे जाएगा, लेकिन 6 एफ को 12 वन पसंद है, तो 6 और 8 पे तो 5 स्टार और चंकी पहले से आ गए हैं, तो 6 और 8 तो ऐसे कैंसिल हो गया, बचा 2 और 4। अगर हम 2 पे एफ को बिठा दें 2 पे, तो एफ जो है सी के ऊपर आना है। देखिए हमेशा दो डाटा दिया रहे, एक से रिलेटेड दो डाटा दिया रहे, उन दोनों को लेके हमेशा चलने की कोशिश करिएगा। अगर आप यहाँ पे दो केस बनाने लगे कि एफ के लिए 2 जगह बचा, एक बार 2 पे रखेंगे, एक और केस बना के एक बार 4 पे रखेंगे, फिर बाद में वो एक केस कैंसिल होगा, इस तरीके से हमेशा करते रहेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, सॉल्व होगा बहुत टाइम लगेगा। इस टाइम को कैसे रिड्यूस करें, हमेशा दो डाटा को रिलेटेड, दो डाटा जैसे एफ से रिलेटेड एक डाटा ये है और एफ से रिलेटेड एक डाटा ये है आपके पास, इन दो डाटा को मिक्स करके कंबाइन करके बैठाने की कोशिश करेंगे तो बहुत कम केस में आप बैठाने लगेंगे, ठीक है। तो ये दो डाटा को अगर हम कंबाइन करें, एफ के लिए 2 जगह बचा, 2 और 4, अगर 2 पे बिठा दें, 2 पे एफ को बिठा दें तो सी को जाना पड़ेगा, सी उसके नीचे ही रहेगा क्योंकि एफ एफ सी के ऊपर है, तो सी के लिए बस यही एक जगह बचेगा 1, तो यहाँ 1 पे पॉसिबल है नहीं सी, तो एफ सेकंड पे नहीं आएगा, एफ आएगा 4th पे, तो एफ आ गया हमारा 4th पे। एफ को क्या पसंद है, 12 वन पसंद है, 12 वन पसंद है, एफ आ गया 4 पे, ये डाटा भी हमने यूज़ कर लिया, ठीक। अभी ये नहीं यूज़ हुआ है, अभी ये डाटा यहाँ तक हमने यूज़ कर लिया, अब किसको बिठाया जाए। अब देखिए अब हमारे पास एक ये है एफ, हम एफ को बिठाते ही हमारे पास दूसरा एफ से रिलेटेड डाटा क्या है, ये ए जी एफ, ठीक है, ए जी एफ। अगर एफ ए को हम यहाँ बिठा दें 3rd फ्लोर पे, तो जी तो कहीं आएगा ही नहीं, ए और एफ के बीच में जी आना है, तो 3rd फ्लोर पे पॉसिबल नहीं है। ए को अगर हम 2nd फ्लोर पे बिठा दें, 2nd फ्लोर पे बिठा दें, तो जी कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा, तो जी आ जाएगा 3rd फ्लोर पे, तो सी कहाँ जाएगा, सी को नीचे आना है, तो सी 1st फ्लोर पे आएगा, तो सी यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है, 1st फ्लोर पे सी पॉसिबल नहीं है, तो ए इन दोनों जगह पे नहीं आ सकता। अगर ए को हम 1st फ्लोर पे ला दें तो जी कहाँ जाएगा, जी तो बीच में आना चाहिए, तो 2 गैप है, तो जी बीच, 2 का तो कोई बीच होता नहीं है, तो ए यहाँ भी पॉसिबल नहीं है, तो एफ के नीचे तो ए नहीं आएगा, ये श्योर हो गया, ए एफ के ऊपर ही आएगा, ठीक। एफ के ऊपर कहाँ, 5th फ्लोर पे रख नहीं सकते क्योंकि जी को बीच में आना है। 6th फ्लोर पे अगर हम रख दें, अगर हम 6th फ्लोर पर रख दें तो जी 5th पे आ जाएगा, ठीक है, ये तो पॉसिबल है। अगर 7th पे रखेंगे तो फिर से वही दिक्कत होगी, 2 फ्लोर हो जाएगा, जी बीच में नहीं आ पाएगा। अगर 8 पे रखें ए को, ए को अगर 8 पे रखें तो जी 6 पे आ सकता है, बट माई डियर फ्रेंड्स अगर ए को हम 8th फ्लोर पर रख देंगे तो बी जो है, बी है ए के ऊपर आना है, ए के ऊपर आना है, तो अगर ए 8th फ्लोर पर आ जाएगा तो बी कहाँ जाएगा, बी को हम बिठा नहीं पाएंगे,
तो ए के लिए सिर्फ एक ही जगह सुटेबल है, सिक्स्थ फ्लोर। तो ए आएगा आपका सिक्स्थ फ्लोर पे, समझ में आया? ए आएगा सिक्स्थ फ्लोर पे, अगर ए है सिक्स्थ फ्लोर पे और एफ है फोर्थ फ्लोर पे, जी को बीच में आना पड़ेगा, जी आएगा फिफ्थ फ्लोर पे, जी आपका आ गया फिफ्थ फ्लोर पे। तो ये डाटा भी हमारा यूज़ हो गया। अब हम किसको बिठाएंगे? इसको बिठाएंगे, बी और ई के बीच में तीन फ्लोर हैं, बी और ई के बीच में तीन फ्लोर हैं, बी ए के ऊपर आना है, तो बी या तो एट पे आएगा या तो सेवन पे आएगा। एट पे अगर हम बिठाएंगे बी को तो एक दो तीन, यहाँ पे तो एफ है, पॉसिबल नहीं है, तो बी के लिए बस एक ही जगह बचा सेवन्थ फ्लोर, बी यहाँ हो गया, तीन का गैप करके ई आ गया आपका यहाँ पे, समझ में आया? तो ये डाटा भी हमारा यूज़ हो गया। अब आगे अब किसको बिठाना है? ये डाटा भी हम यूज़ कर चुके हैं, एफ एफ के नीचे सी, ये अभी रुकी अभी नहीं बिठाएंगे, अब बिठाते हैं इसको। टॉबलेरॉन और हर्से के बीच में एक फ्लोर है, ठीक है, टॉबलेरॉन और हर्से के बीच में एक फ्लोर है, तो टॉबलेरॉन को हम बी के पास नहीं रख सकते क्योंकि ए और बी को टॉबलेरॉन पसंद नहीं है, यहाँ पे ए और बी को टॉबलेरॉन पसंद नहीं है, तो बी टॉबलेरॉन यहाँ आ नहीं सकता, टॉबलेरॉन यहाँ आ नहीं सकता। हम तो इसी कंडीशन को अब क्यों ले रहे हैं? क्योंकि टॉबलेरॉन से रिलेटेड दो डाटा हमारे पास है, एक ये और एक ये, और हम इन दोनों को कंबाइन करके ही बिठाएंगे, ठीक है। हमेशा यही कोशिश करिए कि दो एक दूसरे से रिलेटेड डाटा को ही उठाइए और दोनों को मिला के बिठाने की कोशिश करिए, ठीक है। तो टॉबलेरॉन बी पे यहाँ आएगा नहीं, टॉबलेरॉन के लिए दूसरी जगह कहाँ बची? ये, अगर हम टॉबलेरॉन को यहाँ बिठा दें तो एक छोड़ के हर से यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि बी को हर से पसंद नहीं है इस केस से, तो हर से यहाँ आएगा, पॉसिबल है, ठीक है, ये सही है। अगर टॉबलेरॉन को यहाँ बिठा दें तो दो छोड़ के सी बिठाना है, दो छोड़ के ऊपर सी यहाँ पे एट फ्लोर पे जा सकता है, लेकिन सी को क्या पसंद है? डेरी मिल्क पसंद है, यहाँ तो फाइव स्टार है, तो ये पॉसिबल नहीं है। नीचे देखते हैं, अगर टॉबलेरॉन को यहाँ बिठा दें तो एक दो छोड़ के सी यहाँ पॉसिबल है, यहाँ डेरी मिल्क आ भी सकता है और एफ के नीचे भी हो जाएगा, तो ये परफेक्ट जगह है किसके लिए? टॉबलेरॉन के लिए। और कोई जगह? इसके बाद एक ये जगह बचता है, अगर टॉबलेरॉन को यहाँ बिठा देंगे तो जो दो छोड़ के सी ऊपर पॉसिबल ही नहीं है, नीचे तो जगह ही नहीं है, तो टॉबलेरॉन यहाँ नहीं आ सकता। यहाँ भी बिठाएंगे टॉबलेरॉन को तो दो छोड़ के ऊपर सी पॉसिबल नहीं है और नीचे जगह ही नहीं है, तो टॉबलेरॉन के लिए सिर्फ एक यही जगह बच रहा है, बेस्ट जगह यहाँ, एक छोड़ के हर से यहाँ आएगा और दो छोड़ के सी यहाँ आएगा, किसके साथ? डेरी मिल्क के साथ, ठीक। ये सब हमने यूज़ कर लिया, इसे भी यूज़ कर लिया, इसे भी यूज़ कर लिया, सारा डाटा ये भी हमारा यूज़ हो गया, सारा डाटा यूज़ हो गया। अब बचा क्या है? ए और बी हम बिठा चुके हैं, टॉबलेरॉन और हेड से भी बिठा चुके हैं, एच को फाइव स्टार पसंद नहीं है, एच यहाँ पे आएगा नहीं क्योंकि यहाँ फाइव स्टार है, एच कहाँ आएगा? एच आ गया हमारा यहाँ पे, इस केस को ले रहे हैं, यही एक डाटा बचा है, एच को फाइव स्टार पसंद नहीं है तो यहाँ आ गया। बचा कौन? ए बी सी डी बच गया आपका, डी आ गया आपका यहाँ पे। कौन सी चॉकलेट बच गई? फाइव स्टार चंकी टॉबलेरॉन बारवन कैडबरी बच गया आपका, तो कैडबरी आपका हो गया यहाँ पे। तो ये पजल हो गया सॉल्व, थोड़ा सा कठिन पजल था बट मैं यहाँ पे आपको थोड़ा लेवल अप कर रहा हूँ धीरे धीरे, ताकि आप एक दो केस बना के सॉल्व करने लगे। ये एक केस में सॉल्व करने वाला ही क्वेश्चन था, दो केस का क्वेश्चन नहीं था। कैसे एक केस में सॉल्व करें, कैसे दो दो डाटा को इकट्ठे कंबाइन करके यूज़ करना सीखिए, जैसे मैंने इस पजल में किया है, दो दो डाटा को एक साथ, जो एक दूसरे से रिलेटेड डाटा हैं, उनको कंबाइन करके बिठाना सीखिए। इसकी प्रैक्टिस आप जितना ज़्यादा करेंगे पज़ल उतना कम टाइम में आपका सॉल्व होने लगेगा। आई होप आपको पज़ल अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलते हैं 9 बजे, तब तक आप ये क्वेश्चन सॉल्व करिए इससे रिलेटेड। यहाँ है आपके क्वेश्चंस, एक बार देख लीजिए, ठीक है। मिलते हैं कल फिर से 9 बजे। थैंक यू।